फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो वो कैब विद देसी लड़का का एक और नया सेशन आज फिर से आपके लिए। आज इस सेशन में हम जो वर्ड्स सीखेंगे वो वर्ड्स हमारी डेली लैंग्वेज में अगर हम यूज करना चाहें तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है जी, तो आज का जो हम पहला वर्ड सीखने वाले हैं दैट वर्ड इज रेल। पहला वर्ड जो मेरे पास है वो वर्ड है रेल। अब आप सोच रहे होगे सर रेल, रेल का मीनिंग तो मुझे पता है। रेल एक तो यस ट्रेन को भी रेल बोला जाता है, रेल की जो पटरी होती है जो बार होता है उसको भी रेल बोला जाता है। यही रेल वर्ड से रेलिंग वर्ड बनता है, जो सीढ़ियों की सीढ़ियों के साइड पे जो लगा रहता है उसको भी रेलिंग बोलते हैं, है ना। तो एक रेल का मतलब आप सबको पता है, लेकिन इस रेल के साथ अक्सर हमें मिलता है रेल एट या हमें मिलता है रेल अगेंस्ट। और जब इस रेल के साथ जब भी आपको दिखाई दे जाए रेल एट या रेल अगेंस्ट, तो इसका मतलब होता है टू कंप्लेन एंग्रीली, बहुत ज्यादा गुस्से में किसी के लिए कंप्लेन करना या किसी चीज पे प्रोटेस्ट करना। आजकल हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम लोग एक ही काम कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहां से मैंने ये वर्ड उठाया और इस वर्ड का मतलब है टू प्रोटेस्ट। जैसे मैं कहूं रेल एट इनजस्टिस, आई एम ट्राइंग टू रेल एट इनजस्टिस, ठीक है। दे आर रेलिंग एट इनजस्टिसेस विच हैज बीन डन टू देम, ठीक है जी, विच हैव बीन डन टू देम। तो रेल एट या रेल अगेंस्ट का मतलब होता है टू प्रोटेस्ट, टू कंप्लेन एंग्रीली। अब अगर मैं बात करूं रेल की, तो ये वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया है अंग्रेज सीख के सिर्फ हमसे जाते हैं। हमारे यहाँ पे आए, वर्ड सीख लिया, किसी के मुंह से सुन लिया कि मैं तेरी रेल बना दूंगा। और जब हम किसी को बोलते हैं मैं तेरी रेल बना दूंगा, तो आप गुस्से में ही किसी की कंप्लेन कर रहे हो, किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, तब आप बोलते हो कि अगली बार ऐसा हुआ तो बेटा तेरी रेल बना दूंगा। तो रेल का मतलब ही हो गया किसी के लिए कंप्लेन करना। जब बात हुई कंप्लेन करने की, गुस्से की बात हुई, तो हमारे पास एक और वर्ड आया अपग्रेड। ये जो वर्ड है अपग्रेड, इसका मतलब भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको वर्ड दिखाना चाहता हूं ब्रेड। मेरे पास एक वर्ड है ब्रेड। इस ब्रेड का मीनिंग शायद लड़कियों को पता होगा, ना पता हो तो इसका तो जरूर पता होगा। वर्ड है ब्रेड जिसका मीनिंग होता है प्लेट, या इसी ब्रेड के लिए एक मीनिंग यूज किया जाता है पिगटेल, या फिर लड़कियों ने पोनी टेल वर्ड जरूर सुना होगा। वर्ड होता है ब्रेड प्लेट या बिग पिग टेल, मीनिंग होता है चोटी। ब्रेड प्लेट या पिग टेल, अब अंग्रेजों की समझ में नहीं आई उन्होंने पिग टेल क्यों बोला चोटी को, लेकिन बोल दिया तो कोई बात नहीं। पिग टेल का मतलब भी होता है चोटी, ब्रेड का मतलब भी होता है चोटी, प्लेट का मतलब भी होता है चोटी। और वर्ड था मेरे पास अपब्रेड। अगर कोई बंदा किसी लड़की की ब्रेड पकड़ के अप कर दे, अगर कोई बंदा किसी लड़की की ब्रेड चोटी पकड़ के अप कर दे, तो वो क्या करेगी, वो करेगी उसको क्रिटिसाइज। अप ब्रेड का मतलब होता है किसी को डांटना, टू स्कोल्ड समबडी, या फिर टू क्रिटिसाइज। स्कोल्ड समबडी या फिर टू क्रिटिसाइज। मुझे लगता है क्रिटिसाइज वर्ड का मीनिंग सबको पता होगा। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को भला बुरा कहना, उसको बोलते हैं स्कोल्ड। का मतलब होता है किसी को डांटना। तो वर्ड था अपब्रेड, मीनिंग हो गया किसी को डांटना। किसी की चोटी ऊपर करोगे तो वो क्या करेगी, वो आपको डांटेगी, ठीक है जी। तो अपब्रेड का मतलब हो गया स्कोल्ड या फिर क्रिटिसाइज। और जैसे मेरे पास वर्ड आया अपब्रेड, इसी तरह का मेरे पास एक और वर्ड है, दैट वर्ड इज सेंसोर। जैसे मेरे पास वर्ड है अपब्रेड, इसी का मेरे पास एक और सिनोनिम है, वर्ड है सेंसोर। सेंसोर का मतलब भी होता है टू क्रिटिसाइज समबडी। सेंसोर का मतलब भी होता है टू क्रिटिसाइज समबडी। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा सेंसर, सेंसर बोर्ड है,
जो मूवीज के अंदर कांट छांट करवाता है। तो सेंसर बोर्ड का काम ही है सेंसर करना। हालांकि ये सेंसोर वर्ड नहीं बोला जाता, इसी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज सेंसर। तो सेंसर जो वर्ड है वो सेंसर का एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, प्रोनाउंसिएशन मिलती जुलती है, होमोफोन्स बोलते हैं उन वर्ड्स को जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, लेकिन सेंसर सेंसर बोर्ड है। और सेंसर बोर्ड जनरली मूवीज को क्या करते हैं, वो करते हैं सेंसर। तो सेंसर का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, और ये जो वर्ड है टू क्रिटिसाइज सेंसर, ये जनरली वर्ड फॉर्मल लैंग्वेज में ऑफिशियल लैंग्वेज में वर्ड यूज होता है। तो मैं बोल सकता हूं सेंसर को टू क्रिटिसाइज ऑफिशियली। जब आप किसी को ऑफिशियली क्रिटिसाइज करते हो तब आप वर्ड यूज करते हो, क्या वर्ड यूज करते हो, सेंसर। इसी तरह सेंसर की तरह मेरे पास एक और वर्ड है विच इज रिप्रिमांड। सेंसर की तरह मेरे पास एक और वर्ड है विच इज रिप्रिमांड, और वर्ड अपना मीनिंग खुद से बता रहा है। ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है रिमांड, क्या लिखा है रिमांड, और रिमांड यहां लिख रहा है री, री मतलब रिपीट। अब किसी का एक बार रिमांड हो गया और उसको रिपीट रिमांड के लिए बुलाया जा रहा है तो वो क्या करेगा, वो मन ही मन तो और तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मन ही मन तो क्या करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। तो रिप्रिमांड जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू शो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डिसअप्रूवल शो करना, हम वर्ड यूज करते हैं रिप्रिमांड। तो रिपीट हो रहा है रिमांड, इसीलिए वो क्या कर रहा है रिप्रिमांड। और अगर मैं बात करूं रिप्रिमांड की, तो रिप्रिमांड के लिए एग्जैक्ट सिनोनिम है मेरे पास रिब्यूक। रिप्रिमांड का एग्जैक्ट सिनोनिम है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब भी होता है टू शो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल या टू स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज समबडी। अब देखो वर्ड के अंदर क्या लिख रहा है। अब जनरली क्या होता था, जब हम स्कूल्स में होते थे, स्कूल्स में क्या होता था, मान लो पड़ोसी ने, साथ के बच्चे ने आपका टिफिन खा लिया, तो आप उसको बोलते थे रे भूखे। आप उससे क्या बोलते थे, रे भूखे, भूखे मतलब भूखे, अंग्रेज सीख के हमसे ही गए, कहीं और से नहीं सीखा। तो उसको हमने बोला अरे भूखे अगली बार तूने किया ना तो ठीक नहीं होगा। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल दे रहे हैं। तो वर्ड आ गया रिब्यूक, और रिब्यूक वर्ड जब स्कूल की बात आई तो मुझे एक और वर्ड याद आया विच इज लैम्बास्ट। वर्ड जो आया मेरे पास वो वर्ड है लैम्बास्ट। अगर मैं बात करूं लैम्बास्ट की, इस वर्ड के अंदर देखो ये लिखा है लंबा, कह रहे लंबे लंबे बस्ते। जब हम स्कूल में थे, आजकल बस्ते छोटे हो चुके हैं, लेकिन जब हमारा टाइम था स्कूल जाने का तो उस टाइम पे हम लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े बस्ते लेके स्कूल जाया करते थे। लैम्बास्ट लंबे लंबे बस्तों के कारण हम भी पूरे सिस्टम को क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। लैम्बास्ट का मतलब भी होता है टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली, बहुत ज्यादा। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो आप वर्ड यूज करते हो, क्या वर्ड यूज करते हो, लैम्बास्ट। देखो अगर मैं बात करूं तो सारे ही वर्ड मेरे पास क्या आ रहे हैं, टू क्रिटिसाइज वर्ड था रेल, रेल एट का मतलब भी होता है टू क्रिटिसाइज, अपब्रेड किसी की चोटी ऊपर कर दी क्रिटिसाइज, सेंसर और रिप्रिमांड और रिब्यूक लैम्बास्ट। तो अगर इतने सारे वर्ड्स क्रिटिसाइज के लिए बने हैं तो और भी जितने वर्ड्स हैं ना, आज हम वो सारे एक ही साथ डिस्कस कर देते हैं, एक ही दिन जिनकी भी बुराइयां करनी है वो हम कर लेते हैं। मेरे पास वर्ड आ गया कैस्टिगेट। जो वर्ड मेरे पास आया वो वर्ड है कैस्टिगेट। वर्ड को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो ये लिख रहा है कास्ट और यहां लिखा है गेट। जो बंदा कास्टिज्म में बिलीव करता हो और ऐसे बंदे के गेट पे अगर कोई लो कास्ट का बंदा आके बैठ जाए तो उसको क्या करेगा, वो उसको करेगा कैस्टिगेट। क्या करेगा वो उसको, कैस्टिगेट। तो कैस्टिगेट जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली। एग्जैक्ट सिनोनिम हो गया लैम्बेस्ट का, लैम्बेस्ट क्रिटिसाइज समबडी सीवियरली। ऐसे ही एक और वर्ड मेरे पास आया विच इज वर्ड है कंडेम।
क्या वर्ड है? कंडेम। कह रहे कौन है जो डेमन जैसा बिहेव कर रहा है। आप लोगों ने सबने वर्ड सुना होगा डेमन, डेमन होता है राक्षस। कह रहे कौन है ये जो डेमन जैसा बिहेव कर रहा है, ऐसे डेमन जैसा बिहेव करोगे तो आपको सब लोग कंडेम करेंगे। कंडेम का मतलब भी होता है टू क्रिटिसाइज समबडी सीवियरली। कंडेम का मतलब भी क्या होता है? टू क्रिटिसाइज समबडी सीवियरली। लेकिन इसी कंडेम का एक और मीनिंग भी यूज होता है, इसी कंडेम का सेकेंड मीनिंग यूज होता है, फ्रेज जनरली यूज होता है कंडेम टू डेथ। जनरली ऐसा लिखा मिल सकता है आपको, ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ। कंडेम्ड टू डेथ का मतलब होता है किसी को सजा सुनाना, और कौन सी सजा सुनाना? डेथ की। किसी को फांसी की सजा सुनाना, सेंटेंस, सजा को, सजा जो वर्ड होता है, सजा वर्ड, एक तो सिंपल पनिशमेंट सबको पता होगा, सजा के लिए ही हम वर्ड यूज करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब भी होता है सजा। तो किसी को डेथ की सजा सुनाना या कोई भी पर्टिकुलर पनिशमेंट देना, उसके लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं कंडेम। तो जनरली आपको मिल सकता है कंडेम टू डेथ, और कंडेम टू डेथ का मतलब होता है किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना। ये कैपिटल पनिशमेंट शायद आप लोगों को पता होगा, हमारे देश के अंदर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दी जाती है। तो कैपिटल पनिशमेंट जो होती है ये होती है फांसी की सजा, और इसी के लिए हम यूज करते हैं कंडेम टू डेथ। ठीक है जी। तो वर्ड आया कंडेम, जिसका एक मीनिंग तो आया टू क्रिटिसाइज समबडी, और एक मीनिंग आया कंडेम टू डेथ, जब हम यूज करते हैं तो किसी को सजा सुनाना। बात चली रही है क्रिटिसाइज करने की, तो मेरे पास फिर से एक और वर्ड है क्रिटिसाइज करने के लिए, विच इज चेस्टाइज। वर्ड है चेस्टाइज, और अगर चेस्टाइज वर्ड को देखूं, लिखा तो है आईज, लेकिन मैं बोल क्या रहा हूं, मैं बोल रहा हूं चेस्टाइज। वर्ड अपने आप बता रहा है, कह रहा है जी किसी की चेस्ट पे, सर्दी का मौसम हो और किसी की चेस्ट पे आपने आइस रख दी, मौसम हो सर्दी का, ठंड पड़ रही हो बढ़िया वाली, और उस टाइम पे आपने उसकी चेस्ट पे अगर आइस रख दी तो वो आपको क्या करने वाला है, वो आपको करने वाला है क्रिटिसाइज। तो चेस्टाइज इज ऑल्सो अ वर्ड विच मीन्स टू क्रिटिसाइज समबडी। ठीक है जी। फिर इसी तरह से चेस्टाइज की तरह मेरे पास एक और वर्ड है विच इज एक्सकोरिएट। क्या वर्ड है? एक्सकोरिएट। ये वर्ड को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या लिखा है? लिखा जी एक्स, एक्स जानते हो सब लोग, एक्स मतलब पुराना या पुरानी, पुराना या पुरानी। एक्स का वैसे हमने रूट वर्ड सीखा था, एक्स का मतलब हमने सीखा था आउट, लेकिन यहां मैं एक्स मतलब मैं पुराने वाली से रिलेट करूं अगर किसी की। अब हुआ क्या कि किसी पार्टी में पहुंचे, वो भी पहुंचा और वो भी पहुंची जो उसकी पुराने वाली थी, और भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने अपनी एक्स को एक कोरी प्लेट, कोरा वर्ड शायद आप सब जानते होंगे, कोरा का मतलब होता है साफ, एक कोरी प्लेट उठा के दे दी, और उसको कहता है ले भाई एट कर ले। एक कोरी प्लेट, कोरी प्लेट मतलब खाली प्लेट उठा के दे दी, और उसको कहता है ले भाई एट कर ले। तो वो क्या करेगी? मेरे को पता है आप लोग कहना चाह रहे हो वो सिर पे मारेगी। नहीं, वो सभ्य परिवार की लड़की है, उसने प्लेट सिर पे नहीं मारी, लेकिन वो प्लेट लेके वहां से निकल गई और अपनी फ्रेंड को जाके कह रही है देखियो कितना गंदा हो गया। क्या बोल रही है? बोल रही है देखियो कितना गंदा हो गया, पहले तो प्लेटें भर भर के लाता था, आज मुझे खाली प्लेट देके कहता है ले इसको एट कर ले। तो वो क्या कर रही है? वो भी कर रही है एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट का मतलब भी होता है किसी की निंदा करना। ठीक है जी। अब एक्सकोरिएट की तरह एक और वर्ड है, एंड दैट वर्ड इज डेनिग्रेट। मेरे पास एक्सकोरिएट की तरह एक और वर्ड है, वो वर्ड है डेनिग्रेट। अब देखो वर्ड के अंदर क्या लिख रहा है, कह रहा है भाई साहब ये जो बंदा है ना, ये डेनी को बता रहा है ग्रेट। डेनी अगर आप जानते हो तो पुरानी मूवीज में, पुराने जमाने की मूवीज में डेनी एक करेक्टर हुआ करता था, और डेनी हमेशा विलन हुआ करता था। तो भाई साहब अगर कोई डेनी यानी कि किसी विलन को अगर कोई ग्रेट बता रहा है,
तो उसको जनरली लोग क्या करेंगे, उसको करेंगे डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब भी होता है टू क्रिटिसाइज समबडी, लेकिन जनरली डेनिग्रेट यूज होता है जब किसी को अनफेयरली क्रिटिसाइज किया जाए। डेनिग्रेट वर्ड का यूज होता है जब किसी को क्रिटिसाइज किया जाए अनफेयरली, तो अनफेयरली की सेंस में हम वर्ड यूज करते हैं डेनिग्रेट, और इस डेनिग्रेट से एक वर्ड बनता है डेनिग्रेशन। देखो अभी तक जो हमने वर्ड लिखे ना, हमने जितने भी वर्ड्स लिखे ये सारे वर्ड्स वर्ब का काम कर रहे थे, लेकिन जब मैंने इससे डेनिग्रेशन बनाया जिसमें मुझे पीछे मिला शन, और मुझे एक बात शायद सबको पता होनी चाहिए कि अगर किसी वर्ड में पीछे दिखता है ना शन, रिएक्शन, एक्शन, फंक्शन, जितने भी वर्ड्स में शन दिखाई देता है, ये शन हमेशा नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो डेनिग्रेट से वर्ड बना दिया डेनिग्रेशन, और डेनिग्रेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। डेनिग्रेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। तो डेनिग्रेशन की तरह मेरे पास एक और वर्ड होता है डिनंसिएशन। मेरे पास एक और वर्ड है डेनिग्रेशन की तरह डिनंसिएशन, और डिनंसिएशन वर्ड में मुझे फिर से मिला डीई। अभी हमने पिछले वीडियोस में सीखा था अगर किसी वर्ड का प्रीफिक्स आपको दिखाई दे जाए डीई तो ये हमेशा नेगेटिव बात करेगा। डीई हमने सीखा था मेरिट से डीमेरिट, मोनिटाइजेशन से डीमोनिटाइजेशन, और डिनंसिएशन की अगर मैं बात करूं तो पीछे तो मुझे क्या मिला, पीछे मुझे मिला शन, जिसका मतलब होता है कोई एक्टिविटी या कोई प्रोसेस। हमने ऑलरेडी ये बात कई बार सीखी है कि शन का मतलब होता है कोई एक्टिविटी या प्रोसेस, डी माने नेगेटिव, और वर्ड आया नंस। यहाँ पे बीच में मुझे वर्ड मिला नंस। सीखने लायक बात, अगर आपको कहीं पे दिखाई दे रूट वर्ड नंस या दिखाई दे नाउंस, अगर आपको दिखाई दे जाए नंस या दिखाई दे जाए नाउंस, इस नाउंस से आप सबने वर्ड सुना होगा अनाउंस, वर्ड सुना होगा अनाउंस, इसी नाउंस से वर्ड बना दिया मैंने अनाउंस, इसी नाउंस से वर्ड बनता है प्रोनाउंस, इसी नाउंस से वर्ड बनता है प्रोनाउंस, इसी नाउंस से वर्ड बनता है डिनाउंस। तो जो नाउंस वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू से समथिंग, टू स्पीक समथिंग। नंस या नाउंस का मतलब होता है टू स्पीक समथिंग, नंस का मतलब है टू स्पीक, डीई का मतलब है नेगेटिव, तो किसी के बारे में नेगेटिवली बोलना यानी कि किसी को क्रिटिसाइज करना, और डिनंसिएशन वर्ड यूज होता है जब किसी का पब्लिकली क्रिटिसिज्म किया जाए। तो पब्लिक क्रिटिसिज्म के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिनंसिएशन, और डिनंसिएशन की तरह मेरे पास एक और वर्ड है एंड दैट वर्ड इज ओब्लोक्वी। मेरे पास क्या वर्ड है, ओब्लोक्वी। अगर ओब्लोक्वी मैंने आपको बताया अंग्रेज सीखते हैं सिर्फ हमसे, अब देखो वर्ड में लिख रहा है, कह रहा है अगर अब लोकी बनी, क्या लिखा वर्ड में, अब लोकी। लोकी एक ऐसी सब्जी है जनरली मुझे ऐसा लगता है सब लोग बड़ा प्यार करते हैं इस सब्जी से, ठीक है ना। तो लोकी, लोकी होती है घिया, है ना, तो लोकी एक ऐसी सब्जी है जनरली जो लोग जो है इससे नफरत ही करते हैं। और पीजी में क्या होता है, जनरली जो लोग हॉस्टल्स में पीजीज में रहते हैं उन्हें पता है कि भाई साहब जब लोकी सस्ती होती है ना, एक टाइम होता है कि लोकी 10 रुपए में 5-5 किलो भी बिकती है, और ऐसे टाइम पे सब जगह हर पीजी में सिर्फ रोज ही लोकी की सब्जी बन रही है, तो पीजी में अगर रोज लोकी की सब्जी बनेगी तो कोई ना कोई गुस्सा होके कहेगा ना कि अगर अब लोकी बनी तो देखो ठीक नहीं होगा। तो लोकी रोज बनती है तो आप कर रहे हो ओब्लोक्वी। ओब्लोक्वी का मतलब भी होता है टू क्रिटिसाइज समबडी, हार्श क्रिटिसिज्म। और इसी ओब्लोक्वी के लिए मेरे पास एक और सिनोनिम है ओप्रोब्रियम। क्या सिनोनिम है मेरे पास, ओप्रोब्रियम। ओप्रोब्रियम का मतलब भी होता है हार्श क्रिटिसिज्म। ओप्रोब्रियम, ओब्लोक्वी, डिनंसिएशन और डेनिग्रेशन, ये जो चार वर्ड्स थे मेरे पास, ये चार वर्ड
ये चारों वर्ड्स नाउन का काम करते हैं। ओब्लोक्वी ओप्रोब्रियम, ओप्रोब्रियम वर्ड को याद कैसे रखोगे? इसमें देखो ये लिख रहा है रम, ओप्रोब्रियम रम, कह रहा है आप ना रोग ना मारा करो रम पी के, आप रोग ना मारा करो रम पी के, नहीं तो ठीक नहीं है, सारे लोग आपको ओप्रोब्रियम करने लग जाएंगे। ओप्रोब्रियम का मतलब भी होता है टू क्रिटिसाइज समबडी। और इन सब के लिए अगर मैं बात करूं टू क्रिटिसाइज समबडी, इन सब के लिए मेरे पास एक इडियम भी है विच इज टेक टू टास्क। हमारे पास एक इडियम है विच इज टेक टू टास्क, और टेक टू टास्क का मतलब भी होता है किसी को स्कोल्ड करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। वैसे देखो क्रिटिसाइज के लिए इतने सारे वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स की अगर मैं बात करूं इतने अभी अभी क्रिटिसिज्म वाले वर्ड्स खत्म नहीं हुए हैं, इनके अलावा भी क्रिटिसिज्म के लिए इस वर्ल्ड में बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं। बिकॉज एक्चुअली आज के टाइम में दुनिया का एक ही काम रह गया है कि कैसे हम दूसरे को क्रिटिसाइज करें। और यहाँ पे एक कबीर साहब की मुझे वाणी याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। सच्चाई तो यही है कि हमसे बुरा कोई नहीं है, लेकिन हम दूसरे की बुराई निकालने में ज्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए अंग्रेजों ने बुराई के लिए इतने सारे वर्ड्स बना दिए। कोई बात नहीं, हम रिलीजियस ना होके दोबारा से इन वर्ड्स की बात करते हैं। वर्ड आया रेल एट, रेल एट का मतलब था किसी के लिए कंप्लेन करना बहुत एंग्रली। वर्ड था अपब्रेड, किसी की ब्रेड, ब्रेड होती है चोटी, पिगटेल प्लेट, किसी की चोटी ऊपर करोगे तो वो स्कोल्ड करेगी, क्रिटिसाइज करेगी। वर्ड था सेंसर, सेंसर का मतलब भी होता है टू क्रिटिसाइज, ऑफिशियली यूज होता है। फिर वर्ड था रिप्रीमांड, रिपीट करोगे रिमांड तो क्रिटिसिज्म मिलेगा। रिब्यूक, रे बुखे, दोबारा ऐसा मत करियो। वर्ड था लंबास्ट, लंबास्ट लंबे लंबे बस्ते, या फिर कैस्टिगेट, कास्ट लो कास्ट का बंदा गेट पे आगे सो गया तो किया जाता है कैस्टिगेट। वर्ड था कंडेम, कौन डेमन जैसा बिहेव कर रहा है, कंडेम किया जा रहा है उसको। और कंडेम का एक और मतलब होता है किसी को सजा सुनाना, कंडेम टू डेथ, सजा के लिए हमने वर्ड सीखा, एक सेंटेंस वर्ड होता है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है किसी को फांसी की सजा सुनाना। वर्ड था चेस्टाइज, चेस्टाइज भी होता है टू क्रिटिसाइज समबडी, चेस्टाइज का सिनोनिम है एक्सकोरिएट, एक्सकोरिएट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समबडी। वर्ड आया डेनीग्रेट, डेनीग्रेट को डेनी को ग्रेट कह रहे हो, कोरी प्लेट दे दी तो एक्सकोरिएट किया, डेनी को ग्रेट किया तो अनफेयरली किसी को क्रिटिसाइज किया, डेनीग्रेट से नाउन बन गया डेनीग्रेशन, मीनिंग हो गया क्रिटिसिज्म। डिनाउंस, जैसे अनाउंस वर्ड है वर्ब बनती है डिनाउंस, नंस या नाउंस का मतलब होता है टू स्पीक, डिनंसिएशन में शन आया, शन मतलब होता है नाउन, डिनोट करता है नाउन को, मीनिंग होता है एक्टिविटी, और डीई हमेशा नेगेटिव प्रीफिक्स है तो डिनंसिएशन हो गया स्पीक नेगेटिवली, यानी कि टू क्रिटिसाइज समबडी। ओब्लोक्वी भी होता है क्रिटिसाइज समबडी पब्लिकली, और ओप्रोब्रियम भी होता है हार्श क्रिटिसिज्म पब्लिकली, किसी को क्रिटिसाइज करना। और इन सब के लिए हमने इडियम सीखा टेक टू टास्क, मतलब टू क्रिटिसाइज समबडी। तो फ्रेंड्स सारे वर्ड्स एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट थे, आई होप आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि वर्ड्स को याद रखने के लिए उनकी रिवीजन और उनका यूसेज बहुत जरूरी है। ठीक है जी, आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बट वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।